जय माता रानी की। दोस्तों जुगराज है, आप सभी सफल हो आपका सारा काम। मैं दीपा नेगी रुद्रप्रयाग जिला और घिमतौली गांव वटी आप सब होते मेरे सादर प्रणाम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपा नेगी पहाड़ी। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छी होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो आज सबसे पहले आप सभी को सावन के फर्स्ट सोमवार की ढेर सारी और हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज ना हम जा रहे हैं सौर भुतेना, जो कि यहाँ से काफी दूर पड़ता है। तो कल तक तो कोई चांस ही नहीं था जाने का, तो अचानक से हमारी इस प्यारी सी सासू जी देहरादून से यहाँ पहुंच गई। आई ये देखिए, हेलो हैप्पी सावन। तो ये देहरादून से अचानक से यहाँ पहुंचे, इन्होंने कल शाम को कॉल किया कि चलो सौर भुतेर चले। मैंने कहा चलो, हम तो तैयार ही हैं। तो चलो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपके साथ ट्रैक करेंगे सौर भुतेर का, तो अच्छा लगेगा। और ये नहीं आ रही, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। माता रानी की जय, माता रानी की क्या बोलो यार, कितने अच्छे फूल है। अजय मजे सौर भुतेर की जय, प्रकृति जो बुहारी जी की जो दीवानी यार, सारे दोस्त ये नहीं आ रहे यार, बहुत बुरा लग रहा। जय माता रानी की बना छो ना, तुम जान छो तो बहुत बढ़िया लोग छो, पर आ कोई बात, दीवरानी भी जाने, लड़की भी जाने, बुआरी भी जाने, दीदी भी है, जेठ दीदी जो पुरानी फिल्म वाली ये गाना सुने दिया जे तुम्हें चला गोरे गोरे क्या गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़िया, क्यों गई दगड़िया तो इतनी दूरी। अच्छा, गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़िया, क्यों गई दगड़िया तो इतनी दूरिया। सर तेरे आशीर्वाद रोलो, आशीर्वाद रोलो, मतलब जरूर मत तब जोड़ हम दी दगड़ी यही मांगे कि मत जरूर। अब हमारा ट्रैक बन रहा है, दगड़िया है कि जाएंगे रुद्रनाथ का ट्रैक बन रहा है। इन्हें मैं बोलियो आप घर आ रहे को, आप सब लोगों को हफ्ती सावन मेरे हाथ में कितने बढ़िया फूल है, इनको बोली मैं आप भी चलो। और ये यखा ही यख, इनको नहीं ले जा रही, इनको ना मैं रुद्रनाथ नहीं ले जा रही, पता वहाँ सांस की प्रॉब्लम होती है और 30 किलोमीटर वहाँ पैदल है। अब मैं बोली बुढ़िया वही घोघड़ा गई। तो पता चला लोगों ने बोला कि और जल्दी पड़ने की, इसलिए मैंने कहा जहाँ नजदीक नजदीक होगा उसको आपको वहाँ घुमाऊंगी, यानी रोड के नजदीक होगा। तो आज इनको लेके चली वो सौर भुतेनाथ। तो यहाँ पे सासू जी भी है, ये देखे, ये भी बोल रहे मैं भी आ रहा, तो गाड़ी में जगह ही नहीं हो रही, क्या करे, डिग्गी में चलेंगे हम, डिग्गी में बैठ जाएंगे हम दोनों बहने। छोटी छोटी मोटी आदमी को सोली, छोटी मोटी सोली सी माटे की डोली सी, हाई मेरी हने मुने मंसूरी दे दो। चला यार मी से मां, चला यार जय माता रानी की, फिर मिलेंगे कल मिलेंगे। दिल तोड़ दिया यार इन्होंने, तोड़ के दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं पैदल रास्ते, और आज ना गाड़ी में भी तबीयत खराब हो गई थी क्योंकि खाली पेट भी है। दो सासू जी को भी उल्टी हो गई थी, घर से सिर्फ मैं वो क्या बोलते स्वेटर पहन के नहीं आई थी, तो दुकान से ये वाली स्वेटर ली, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कलर मेरे पे। और पीछे देखो यात्री लगे हुए हैं, और बहुत सारी चढ़ाई चढ़नी है, बहुत सारी चढ़ाई। मैं तो बोलती हूँ मंदिर में जाने का फल प्राप्त भी होता है जब चढ़ाई चढ़ के जाओ, पैदल मार्ग चलो। तो लगे हैं रास्ते, अगर आप लोगों को अभी सौर भुतेनाथ आना, बहुत अच्छी लग रही है, जम 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 मन तो कर रहा है, भीग है पर क्या करें, है ना। छतरी ना खोल पर साथ में भीग जाने दे, भीग जाने दे सौर भूतनाथ में। ये भाई ये देखिए, ऐसे है जंगलों के बीचों बीच रास्ता, ये आगे देखिए तुंगनाथ की याद आ रही है इस रास्ते को देख के। हाँ तुंगनाथ अब सीमेंटेड रास्ता है कि ना, खैर अच्छा सूट कर दूँ मैं, तेरे में कंफर्टेबल नहीं हो रहा। ये देखो यात्री, जय बाबा भोलेनाथ, जय भोले शंकर, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ खींच लो हमारा हाथ। ये भैया
बहुत चढ़ना भी चढ़ाई बहुत ज्यादा। तो भी दोस्तों फाइनली हमने वहाँ जाना है, ये देखिए जहाँ पे ये पानी आ रहा है, यहाँ की भी कहानी है जो कि मैंने अगले साल आपको ब्लॉग में बताया था। ये है मुनि जी की टांगे जो कि वहाँ पे उल्टे लटक रखे हैं वो। तो यहाँ देखिए आगे एक थोरा है, ये लोगों को बहुत भगा रहा। तो यहाँ पे भी, यहाँ भी सब्सक्राइबर मिले हैं चंदनगर से, उनके लिए भी थैंक यू सो मच। अब जाके स्वेटर निकाल दी, मौसम ठीक ठाक हो गया है अभी बिल्कुल, तो यहाँ पसीना छूटने लग गई है कपाल में। ओह ये देखो ये सासू जी पे खूब फोड़ती आ रहे हैं, देखो खूब चल रहे। तो मेरे को लगता है जैसे ना, वैसे तो मंदिर में जाने के लिए साड़ी पहनना अच्छा होता है, इसीलिए मैं साड़ी पहन के आई। पर जब ऐसी नहीं आपके लिए बोल रही हूँ, पर जब ऐसी चढ़ाई में चढ़ना वगैरह होता है तब सूट कंफर्टेबल होता है। हाँ अगर आप लोगों की इच्छा है साड़ी पहनने की, आप लोग बैग में रख सकते हो और मंदिर जाके चेंज कर सकते हो। बाकी ऐसे पैदल रास्ते के लिए तो साड़ी कंफर्टेबल नहीं लग रहा मेरे को। आप पता आ रही है, देखो ऐसे थाम रखी हाथ भी, ये भगवान हरे राम कृष्ण। यहाँ देखिए यहाँ लोगों ने ना थोड़े छोड़ रखे हैं चरने के लिए। ये बेचारा बिछड़ गया उनसे, वो वहाँ जाएगा बट कैसे जाएगा, यहाँ तो दीवार है, वो ऐसे ही घूम रहा इधर उधर। यहाँ देखो इसको इसकी मंजिल तक पहुँचाएंगे हम। तो यहाँ देखिए इसको नहीं मिल रहा है रास्ता उधर दीवार पार करने के लिए, तो अभी ना मैं यहाँ पे इसके लिए थोड़ा रास्ता बना लेती हूँ। रुकवा रुक जा ये भाई, एक गुड़ जल सोए जा। आ मैंने तो बाटो बड़े ले। ओ अरे ओ ओ ओ उधर ओ ओ चल उगल 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 ये भैया, ए मैं तेरी जगह कारो या भाई। हाय दीपा देवी पास हो गई, दीपा ने की पारी की, चलो जय मैया की। देखो दोस्तों फैमिली मैंने इसको इनके झुंड तक पहुंचा दिया है, हे उधर पहुंच गए रे ना बैस देगा तो देखियो लो मैं छोटी हूँ। तो चलो चलिए भी चलो, नहीं चलते चलते एक पुण्य का काम भी कर लिया है। ये भैया पसीना की ये छूटनी घाम, तो उसको भी पहुँचा दिया है उसके झुंडों के साथ। अब अच्छा लग रहा है क्योंकि जानवर हो चाहे इंसान, झुंड से अलग हो और अकेले में हो तो बहुत ज़्यादा डर होती है। और क्या बोलते हैं थोड़ा चढ़ने लग गया, अच्छा लग रहा है मेरे को जी। रहने लगाया तुम पर डोर उड़ता है तुम, ये थे आ जाना चिन सौर भूत नान ने डोरी लगाई बोला आधे में टूट गई, एकदम मोटर डोर लेता है वा। ये देखिए पर बारिश के मौसम में ना दोस्तों ऐसी जगह है यहाँ पे जो कि बिल्कुल डरावना। ये देखो सुनसान है, कितना सुंदर मौसम है, वही तो जितने सुंदर आप नहीं। मेरे तो दांत भी नहीं है, आंख भी नहीं है, जरा पर दांत बताओ। पैसा पैसा करो जरा, जरा तब आकर जो पैसा 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 हीरा मोती सोना चांदी नहीं है, नहीं है। तो अभी मैं और सासू जी चल रहे हैं, सासू जी के हाथ पे छाता दे रखा है मैंने। तो और सुनाओ, तो मैंने बहू का पेट में कमर में पिट्ठा दे रखा है, कोई बात नहीं मैं मैं जाऊँ बहू जवान है। हाँ आ जा रहे हम कहाँ और कबूतर, कितने साल हैं मेरे को क्या क्या बताएं मेरे को, क्या वो हंस जाएगी ना, हंसने को भी हंसाएगी ना ना, क्यों कि मेरे सासू 66 साल के हो गए। सही तो है, मैं तक रहा है मैंने आपने 80 साल तक, ए बाप रे ए बहु चुप रहो ए बुआ चुप रहते था ना, 80 साल तक फिल्म बनो तुम मैं देखे ए दगड़ा तो था नहीं, अब तो यार वेट गोटन में मुश्किल हो नहीं। ए भाई ए दोस्तों कहाँ से आ गया हमें जी, नीचे नीचे हाय। तो अभी टाइम 2 बज चुके हैं और अभी हम आधे रास्ते पहुंचे हैं। यहाँ देखो पहुँचने वाले हैं सारे रास्ते ऐसे ही बोलते आ रहे कि पहुँचने वाले हैं थोड़ा है, पहुँचने वाले हैं थोड़ा है।
भैया सिर्फ मैं आ रही हूँ, ये कोई नहीं आ रखे हैं, तो मुझे पता है कि और कितना जाना है। ये से बड़ो सैण माती से फोटो खींचना होता है। चलो तो सब मंजिल है। और यहाँ देखो देखिए तो क्या काम आप नहीं हूँ। ये देखो अरे चलो बुलावा आया है मेरे भोले ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है भोले बाबा ने बुलाया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। तो अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं मंदिर में, और मैं मंदिर से लेके आई हूँ जल के लिए लोटा। और यहाँ देखिए यहाँ के लोगों ने ना यहाँ भैंस बकरी वगैरह सब ला रखे हैं, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ जल के लिए, और यहाँ ऊपर से लाएंगे जल भर के। तो अभी कुछ लोग नीचे ही रह गए हैं, सासू लोग, वो इतना नहीं चल पा रहे, तो मैंने कहा मैं जल लेके आती हूँ। यहाँ देखिए, और यहाँ ना यहाँ सबसे बड़ी सुविधा ये है, यहाँ आके आप लोग अपने लिए खाना पका भी सकते हो। वो यहाँ पे रसोड़ा लगता है। हम तो फिर क्यों खाणो एक बात नहीं। अरे रामू कोई बात नहीं, तो उनमें खाने छो। चलिए फटाफट से जल लाते हैं, फिर मिलते हैं आपको। अभी ना मैं आ गई हूँ जल लेके, और ये देखिए बड़ा वाला लोटा लेके आई मैं। तो अभी सर में ऐसे ठक रखा, और यहाँ देखिए बकरी के साथ ना अच्छा लग रहा है यहाँ पे ना। अभी हम यहाँ पे कुछ फोटो खींचेंगे बहुत सारी। तो अभी देखिए सासू जी की आवाज़ भी अभी आने लगी है, तो चलिए मेरी आवाज़ बोल। नमो नमो दि शंकर हाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भगवान सौर भूतनाथ जी के मंदिर में, और हमने यहाँ पे दर्शन भी कर लिए हैं, और जल भी चढ़ा दिया है, और टीका चंदन भी लगा दिया है। तो यहाँ पे ना मंदिर छोटा सा है, मंदिर के अंदर जाने की परमिशन नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ पुजारी ही जाते हैं। तो हमने यहीं से दर्शन करके और पूजा पाठ कर ली। तो यहाँ इतना सुकून है ना, क्या ही बताएं। मतलब नीचे जब हम नीचे चढ़ाई चढ़ रहे थे, नीचे से हम ऊपर के लिए आ रहे थे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ ऊपर आके ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। मैं तो अब पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन यहाँ देखिए एक बार यहाँ जरूर आइएगा। मैं तो ये बोलती हूँ कि बहुत घूम गए शहरों में, एक बार अपने पहाड़ों में देखिए क्या कैसे मंदिर है, और साक्षात देवताओं का वास ही तो पहाड़ों में है। तो देखिए कितना सुकून है यहाँ की। यहाँ देखिए, और यहाँ देखो कितने सारे घन चढ़ा रखे हैं लोगों ने, सब जिसकी मन्नतें पूरी हुई होंगी उसने यहाँ घन चढ़ाए हैं। यहाँ देखिए जय हो सौर भूतनाथ। कितने आनंद आ रही है सौर भूत, और कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा इच्छा लगी हुई। कितने साल हुए आपकी शादी को? मेरी शादी को 50 हो गए ना। थोड़ी देर पहले बोला मेरे को 60 साल है, बोले मेरे ना मेरे को बस 66 साल है, मेरी शादी को बस 60 साल हो गए। ये सासू जी बोले तो 6 साल में तेरी शादी हो गई थी, भले गुण गुण ये हुआ, ये 6 वर्षों से थे जो था 12 वर्ष होता है तो अब ऐसी होता। तो अभी हमने यहाँ पे पूजा भी कर ली है, और थोड़ा बहुत फोटो भी खींच ली है। मथी पानी होनो ही मत जो तो यहाँ देखिए जब भी आप लोग यहाँ आओ ना, तो यहाँ आप लोगों को सब चीजें मिलेंगी। यहाँ देखिए इतने सारे यहाँ बर्तन है, आइए खाना बनाइए,
देखिए चाकू छुरी थाली कढ़ाई सारी चीज़ें यहाँ आपको अवेलेबल मिलेंगी। तो आइए यहाँ, लेकिन बर्तन जूठे मत छोड़िएगा, आइए अपने लिए खाना पकाइए और बर्तन धो के फिर अपने घर को चले जाइए। तो फिलहाल हम यहाँ ढूंढ रहे थे थोड़ा चाय पत्ती, बट नहीं है शायद, हम सोच रहे थे चाय बनाने का तैयारी की। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ तो तीन कमरे हैं, यहाँ काश हमको चाय पत्ती मिलती तो लैट होना नहीं तो उनका ताम नहीं है चाय पत्ती। चलो कोई नहीं था तो यहाँ ना आप लोग आराम से एक दो दिन का ट्रेक कर सकते हो आराम से। यहाँ देखिए फर्स्ट क्लास घर बना रखा है रहने के लिए, दो तीन तीन कमरे हैं यहाँ रहने के लिए। तो आइए कभी और यहाँ पे एक दो दिन का ट्रेक कीजिए आराम से फर्स्ट क्लास। अभी ना हमारे घर जाने की भी तैयारी हो गई है और बारिश लगना भी स्टार्ट हो गया है और खुल लेते छत। तो देखिए चलो, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से हमारी यात्रा मंगलमय हो गई, हमने दर्शन भी कर लिए, सब कुछ अच्छा हो गया। अब हम निकलते हैं घर के लिए। देखो देखते हैं, ये दूध था शायद, सुनने में आया कि यहाँ सिर्फ भैंस का दूध चढ़ाया जाता है, गाय का दूध नहीं चढ़ाया जाता है। होगा कुछ नियम, अलग अलग नियम रहते हैं देवताओं के भी। तो इसको हम नीचे ले जाएंगे, देंगे किसी के पास चाय बनाने के लिए। नहीं तो मैं चाय बोला तो चला था, ये तो कह दे भैंस का हमारे फोन से हम जो सब हो गया फोन मत कोई अड़ू लगी ना दिखाने मुन उन्दर ना खोट उबर जो गया वहाँ सर भूत नाथ सुकर था ना सर भूत नाथ बोल दी बोल तू यो बटे निकल क्या तब मत ही दे जो से पानी धारा नहीं होना तुम तो चिंता ये तो कश्मीर है इसकी फिजा का क्या कहना, देसी दुल्हन है ये दुल्हन के तन का है गहना। आइए दोस्तों कभी जरूर आइएगा यहाँ, देखिए हमारे पहाड़ जाके थोड़ा बहुत कोयरा साफ हुआ है। ये है देखिए मुनि जी के टांगे, ये देखिए ये नीचे पे सर, ये ऊपर टांगे हो रखे हैं, ये देखिए, ये देखिए मौसम देखिए वाओ। कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों का भी मन है यहाँ आने का। देखिए पीछे अभी फोटो शूट चल रहा है, वो फोटो खींच रहे हैं क्योंकि वो है देहरादून वाले, वो चले जाएंगे देहरादून इन खूबसूरत यादों को अपने साथ ले जाके। ये देखिए ऊपर देखिए एक झरना वहाँ पे आ रहा है, देखिए अभी बिल्कुल कोयरा साफ हो गया वहाँ देखिए। आवा लड़ी शंभो जय शंभो तेरी जय जयकारा तेरो ध्यान लांदो तेरो गुणे गांदो। यार लेकिन इनका मन नहीं है अभी घर आने का, ये भगवान आवाला फोटो शूट चल रहा है भयंकर वाला। यार देखो तुम प्रेम में हो तुम पीते हो मन मीते हो भोले मेरे भोलेनाथ हो, तुम पीते हो मन मीते हो भोले जय भोलेनाथ। तभी हम लोग चल रहे हैं घर के लिए, तो हम निकलने लग गए हैं यहाँ से अपने घर के लिए। जय हो, कैसी रही रे तुम्हारी यात्रा? बहुत अच्छी रही, जय भोलेनाथ। लग रहा था कि पता नहीं कितनी चढ़ाई होगी, पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला ना, मन तो कर रहा है कि यहीं रुकना है। वही तो क्या करे मेरे को बोल रहे रुके क्या बात इतने शांति है ना,
बिल्कुल सुकून तो मेरी भैंसी घोरे रामी है सास तुम ने क्या जानी हे सास तुम ने क्या जानी सासू घोरे कुकड़ानी तो सासू जी को ना कल नहीं बताया मैंने कि मैं वहां जा रही हूँ, वरना कल से मेरी सासू जी का भी प्याह रहना था, इसलिए मैंने आज सुबह फूल तैयार तैयार हुई मैं सीधे आने लगी तो क्या करे तब सीधे आने लगी, मैंने कहा थोड़ा समय वहां जा रही बोल जहाँ भी जा रही शाम को घर जल्दी पहुंचना मैंने कहा मैं अपने आप पहुंच दी भाई ना ना गौशाला बैठने के लिए। तो कल भी और परसों भी लगातार जंगल चली गई थी घास, अभी पुराने डोर था शायद दोनों सास लोगों को हमने बोला तुम चलो हम तब तक फोटो शूट करते हैं, एक दो फोटो उनकी भी ली हमने कहा अब हम फोटो खींचते हैं तो तुम हिटो तब तक, अब वो पता नहीं कहाँ पहुँच गए। तो चलिए जी ब्लॉक को अब सीधे ही आगे तक ले चलते हैं, कहाँ पे रुकेंगे आप फोन को रखते हैं पर्स में और स्पीड मारते हैं घर जाने के लिए क्योंकि यहाँ हो गया 4 बजने वाली है यही, ठीक है तब। तो अभी ना हम सौर भूतेनाथ से वापस आ रहे थे और यहीं पे ना कुछ लोग हमें मिले जो हमें जानते थे और हम मतलब बातें करने लगे तो रिश्तेदार ये मिल गए, यहाँ जो संकल्प वाले सास हैं ना उनकी भी जान पहचान मिल गई, रोने लग गए यहाँ पे आके एक दूसरे की सहेलियाँ ना। तो मेरी तो आदत है मैं हर किसी से बात कर लेती हूँ चाहे कोई जान का है पहचान का है या नहीं है, मैं मेरी आदत है सबसे बात करो और मुझे लगता है ये फ़ायदा भी है इसमें कि कर लो कि बात करने में क्या जाता है भाई किसी के लिए बुरा मत बोलो। तो यहाँ पर बात करने लगे तो यहाँ पर इन्होंने हमें चाय भी पिला दी और ये आज करना ये लोग मरणा आ रखे हैं, ये है मस्कंडी गांव के ये आ रखे हैं मरणा क्योंकि यहाँ भी इनकी खेतें हैं जहाँ सेम हमारे यहाँ भी ऐसे हैं मेरे मायके में भी, मतलब कुछ मैंने गाय दूसरी जगह चली जाते हैं जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था मरड़े, तो वैसे ये लोग भी आ रखे हैं। तो यहाँ देखिए तो अपने चाहे तो देखो सिरगट के सब दिखो मैं रे रामो मैं दिखो नहीं देखो बाय रे राम खुद लगनी तुम्हारी रे भानी तुम भूले गया चाय पी ली फिर खानो हम ते पीछो तब कैसा रिश्ता जुड़ जाता है, ये है हमारे पहाड़ों की विशेषता ना देख मतलब चंद मिनटों में सबसे इतना गहरा नाता जुड़ गया कि वो लोग भी रोने लगे हम भी पता नहीं, बस यही पहचान है हमारी देवभूमि उत्तराखंड की। वीडियो अभी बाकी है, मिलते हैं अगले ब्लॉक में, जय माता रानी की।